Hey viewers, welcome back to my YouTube channel. It's your Kiran Jyoti blog और आज के इस ब्लॉग में मैंने सोचा मैं एक चैलेंज करती हूँ, मक्की की रोटी चैलेंज. पर कैसे बनाऊँ यार, इतनी ठंड है, मैं कंबल जाई लेके ऐसे बैठी हुई हूँ और एक डेढ़ घंटे सोच रही हूँ. उठती हूँ चैलेंज स्टार्ट करती हूँ बट मन ही नहीं कर रहा बहुत जल्दी, पर मैं उठ रही हूँ. फिर भी इट्स ओके, मैं उठ रही हूँ, मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट कर रही हूँ. ये चैलेंज मेरे को जहाँ पे मैं जॉब करती हूँ वहाँ पे मेरे एक स्टाफ ने दिया था. मुझे बोला कि तुम ये वाला चैलेंज करना, तुम बना पाते हो कि नहीं बना पाते हो. तो अभी शिल्पा भी रूम पे नहीं है और वो भी ड्यूटी गई है और उसका काफ़ी मन था कि हाँ मक्की की रोटी खानी है. तो मैंने सोचा क्यों ना वो नहीं है यहाँ पे, उसके लिए सरप्राइज ही प्लान किया जाए. किरण ने मक्की की रोटी बना दी है और मैंने साथ में सब्जी भी बनाई है मक्की की रोटी के लिए. अभी सीटी आ रही है कुकर की, आपको आवाज़ दे रही होगी सुनाई. तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट से. तो अभी जो मैंने अपना पूरा सेटअप वगैरह रेडी करके रख लिया है यहाँ पे और मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ, आपको भी दिखा देती हूँ मैंने क्या सेटअप करके. तो मैंने अपना पूरा ऐसे ट्राईपोर्ड कर यहाँ पे रख लिया है, यहाँ पे मैं खाना बनाऊंगी. और एक साथ में मैंने अरबी की सब्जी भी उबाल के रख ली है. ये बड़ी वाली अरबी होती है ना, देसी अरबी है, घर से शिल्पा लाई थी तो मैंने उबाल के रख ली है. ये ठंडा होने देते हैं, फिर इसको हम निकालेंगे इसके छिलके, उसके बाद फिर सब्जी बनाएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगी. तो अभी पहले मैं जो फटाफट से खाना बना लेती हूँ. तो मैंने जो है अभी स्वेटर उतार दी अपनी भोपे वाली, क्योंकि उससे ना मुझे लगा था मैं से बंद सी गई हूँ. मैंने फटाफट से उतार दी, बस है तो ये भी स्वेटर लेकिन पता नहीं हाँ बाजू क्यों है, मुझे भी नहीं पता क्यों हाँ बाजू है. तो मैंने अपना आटा जो यहाँ पे ले लिया, मैं आपको दिखाती हूँ. तो अभी जो मैं फटाफट से पानी लेती हूँ और आपको सारा कुछ दिखाती हूँ कैसे मक्की की रोटी बनाई जाती है. आई एम प्रोफेशनल, वो तो आपको देखने में लग जाएगा पता. तो चलो इसमें हम लेते हैं पानी. माइंड मत करना कुछ भी, ऐसा मैं बोल दूँ कुछ भी मतलब गलती हो जाए तो सॉरी यार, मुझे बनाने नहीं आती है बस मैं कोशिश कर रही हूँ, पूरी कोशिश कर रही हूँ बनाने की. तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं कैसे बनाती हूँ, बता देती हूँ आप रखती इसको मैं. तो मैं आपको दिखाती हूँ, पानी मैंने ले लिया है, ऐसे करूँगी ना, ऐसे बनाऊँगी, इधर रखूँगी, ऐसे बनाती हूँ मैं. तो मैंने जो है ये आटा लिया, इसको हाफ ऐसे पार्टीशन कर दिया, हाफ इधर रख दिया, इधर ऐसे गोले जैसे बनाऊँगी इधर, और इसमें जो मैं पानी डाल दूँगी है ना. अभी जो हम इसको ऐसे ऐसे करेंगे,
यहाँ पे डाल लेता है क्योंकि रोटी ना यहाँ पे फट जाती है। फट गई मेरी रोटी। कोई ना, इसको हम जोड़ लेंगे, हमें आती है इसकी, इसकी हम सर्जरी कर देते हैं अभी। इसकी हमने सर्जरी कर दी, इसके ऊपर हमने प्लास्टर लगा दिया। नो नहीं नहीं, ये आटा ही अच्छा नहीं है यार, ये कभी तभी बन नहीं रही है। रुको यार रुको। तो अभी जो मैं एक आने वाली हूँ, देखते हैं कैसे बनती है। वाह किरण, तूने तो रोटी बना ली। तो अभी जो मेरी रोटी है बन गई। वाह, आई एम वेरी टैलेंटेड ना। वैसे मैं बहुत टैलेंट हूँ यार, टैलेंटेड हूँ मैं यार, बहुत बहुत टैलेंट है मुझमें बहुत। क्योंकि जहाँ जहाँ से इसकी हड्डी टूट रही है वहाँ वहाँ से हम इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस कर देंगे, इसकी हम सर्जरी कर देंगे तब वहाँ से। ये देखो, यहाँ ये मैंने तुम्हें इसलिए दिखाया क्योंकि मैं यहाँ से ना थंबनेल के लिए स्क्रीनशॉट ले लूंगी। बहुत चलाक हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे। अभी जो मेरी एक रोटी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है, आगे से देखने में बहुत अच्छी है लेकिन पीछे से देखने में भी वैसे बुरी नहीं है, अच्छी है। तो मैंने एक रोटी बना दी, अब मैं तीन और रोटी बनाऊंगी, उसके बाद फिर आपसे मिलती हूँ। और मेरी दूसरी रोटी भी बन रही है, ये देखो, ये मेरी दूसरी रोटी बन रही है। एक रोटी मैंने बना के रख दी है, एक मैं अभी बनाने वाली हूँ। और मैंने ना अभी ब्लॉग इसलिए दोबारा फिर से स्टार्ट किया, वैसे मैंने सोचा कि रोटी बनने के बाद दिखाऊंगी, लेकिन ये रोटी ना मैंने मम्मी की तरह बनाई। देखो कितनी बड़ी रोटी बनाई मैंने, और कसम से मतलब एक बार भी टूटी नहीं रोटी, टच वुड अभी तक टूटी नहीं है ये देखो, और बिल्कुल पतली बनी है भाई, मजा आ गया। ये रोटी मतलब मैंने ऐसे बनाती की बनाती की बन गई। अब मैं इसको आराम से ना तवे पे रखती हूँ। ये देखो गाइस, देखो मम्मी की रोटी की तरह बनी है ये, मतलब ना मजा आ गया। तो अभी जो है मेरी सारी रोटियां बन के रेडी हो गई है, मतलब मैंने चार रोटी, मतलब मैंने चार रोटियां बना दी है, और वो चार रोटियां ये रही। टन 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 टन। तो मैं इसमें बताती हूँ मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड रोटी कौन सी बनाई। जो ये थी मेरी फर्स्ट रोटी, जो आप सभी ने देखी मैंने कैसे कैसे बनाई, ये मेरी फर्स्ट रोटी थी। उसके बाद थी मेरी सेकंड रोटी, ये थोड़ी जल गई क्योंकि वीडियो बनाने के चक्कर में थोड़ी जल सी गई, ये होगी दो। और ये थी थर्ड रोटी जो कि बहुत ही सही बनी है, बिल्कुल पकी हुई और बहुत अच्छी बनी है गोल गोल। और ये थी फोर्थ रोटी जो कि मैंने मम्मी की तरह बनाई, मतलब बड़ी भी बनाई और सही भी बनी है पूरी रोटी। देखो भाप ही निकली, गरम गरम है। तो अभी फटाफट से मैं रोटियों को रखती हूँ, और जैसे शिल्पा आती है उसका रिएक्शन देखूंगी, उसका क्या रिएक्शन होता है मेरी रोटियों को देख के। तब तक मैं फटाफट सब्जी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, और शिल्पा का रिएक्शन जो वो हम वो कैप्चर करते हैं।
तो अभी जो हमारी सब्जी बन के जो रेडी हो चुकी है, इसको बोलते हैं अरबी की सब्जी। देसी सब्जी थी जो हम घर से लाई थी शिल्पा, तो ये कुछ इस तरह से बनाई। वैसे तो ये सूखी भी बहुत टेस्टी बनती है, बहुत यमी बनती है, बट मैंने ग्रेवी वाली बनाई क्योंकि मैंने इसको मक्के की रोटी के साथ खाना है, इसलिए मैंने इसको ये ऐसे बनाया। अब ये हो चुकी है, इसको बंद करते हैं और शिल्पा का वेट करते हैं। तो अभी जो है शिल्पा आ चुकी है और हम उसका वेलकम करते हैं। वेलकम, आइए आइए आइए। कौन से बोली तेरे को? मक्की की रोटी। तेरे को कैसे लगा बता? मैंने नहीं बनाई है, मैंने नहीं बनाई है मक्की की रोटी। वाह, मक्की की रोटी बनाई, उसको मेरे से इतना प्यार आ रहा है क्योंकि इसका बहुत मन था मक्की की रोटी खाने का। खुश? बहुत खुश। अगर आपको मेरे ये चैलेंज में एक मक्की की रोटी पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे।